तो यहाँ पे मैं मशीन लगा चुकी हूँ और इधर मम्मी कर रही है नाश्ता। हेलो बोलो मम्मी। और टिफिन बच्चों का अभी लगा तो मैं चुकी हूँ, पर अभी ना बंद नहीं किया था क्योंकि ना गर्म हो रहे थे। आज साथ के साथ लंच नहीं दिया था क्योंकि एक तो बच्चों को बनाने थे, बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा छोले चावल बनाओ, और फिर छोले चावल मैं ना मिक्स करके देती हूँ, ऐसे नहीं देती कि जब मैं मिक्स करके देती हूँ ना तो वो वैसे हो जाते हैं। अगर लेट तक 8 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं और फिर 8 बजे से 11 बजे लंच होता है, 11:30 बजे, तो वो अच्छे से नहीं होते, तो इसलिए मैं साथ में नहीं देती ऐसी कोई भी चीज। ये इसका है, अगर बच्चों का ये भी चेंज ना हो जिससे, क्योंकि उनके मन में बहुत ज्यादा रहता है, अगर मैंने ये रेड वाला नन्नू को दे दिया और ये ब्लू वाला अक्षु को दे दिया, इस चीज से भी मैं बहुत परेशान रहते हैं बेचारे। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैंने चिट लगा दी क्योंकि ताकि बच्चों के पास वैसे चला जाए और अलग से चिपका दी इसके ऊपर। वैसे तो मैं साथ में ही देती हूँ लंच, पर कभी होता है ना जैसे चावल वगैरह बनाती हूँ तो मैं इतनी देर पहले नहीं देती। तो बस ये हमारा टिफिन भी लग चुका है, अब ये दुकान पे जाएंगे तो उधर से दुकान पे चले जाएंगे और फिर दे देंगे लंच। ये स्लिप उधर, मेरी मशीन का अलार्म भी बोल चुका है और खाना भी लगभग हमारा हो ही चुका है। तो जैसे रजाई का भी काम खत्म होने ही वाला है, अब गर्मी आ चुकी है, तो बस ये ना धुल के कवर उतार के इसका ब्लैंकेट का इसको ना धुल के रख देंगे फिर। और ये बेडशीट वगैरह है जो, ये मम्मी वाली है, ये भी धुलेगी सारी, और इसका कवर उतारने के बाद इसको भी हम धोएंगे। मशीन लगी हुई है और बच्चे के कपड़े तो धुल चुके हैं जो डेली यूज के होते हैं, पर जो ये बड़े बड़े कपड़े हैं ना उनके लिए अब मैं दोबारा से मशीन लगाऊंगी। तो काम घर का मेरा सारा फिनिश हो चुका है, कपड़े वगैरह मैं धुल चुकी हूँ पूरे, और मैं फिर यहाँ पे आ गई थी मधु के पास क्योंकि मैं सोच तो बहुत दिन से रही थी कि जाने के लिए, पर क्या होता है सर्दियों की वजह से दिन छोटे होते हैं तो मेरा जाना हो ही नहीं पाता था। तो बस यहाँ पे आज मेरा थोड़ा काम जल्दी हो गया था तो फिर मैं चली गई थी इसके पास, और ये था पास भी लेके गई थी कि हम दोनों बच्चे साथ में ही लेके आ जाएंगे, तो आज इसको ही लाने थे बच्चे अपने भी। तो बस ये चाय बना रही है और डोसा खाना ये बहुत अच्छा बनाती है, सामने मैं इसकी कभी तारीफ करती नहीं हूँ। ये दाल और चावलों का मिक्सचर है, इसमें 2 गिलास चावल और 1 गिलास दाल। अच्छा, दाल कौन से वाली? उड़द दाल, मूंग दाल का भी बन जाता है ऐसा कुछ ना, मूंग दाल का भी हेल्दी कुछ खाना हो तो मूंग दाल खाना। मेरा तवा इतना ही है ना, नहीं तो तवे से बड़े बन जाते हैं, तवा छोटा है, उस हिसाब से छोटा है। चाय बन चुकी है हमारी, इसमें चल खा के तो बस अब हो गया। ये कैसे आलू की पिटकी बना रखी है, अब इसके अंदर फिलिंग करूंगी। अच्छा मैं नहीं सेकते ना दोनों तरफ से, मैं एक ही साइड से सेकते हैं, ये तेज नहीं हो रहा था। पूरी प्रैक्टिस हो गई, मैं इतना इतना नहीं खा पाने की मधु, इतना नहीं खा पाने की मैं, ये सिर्फ रस्मी के लिए है।
मधुरी तो नानी एक एक हटा ले, बाद में ले लेंगे। कुछ नहीं है इनमें, बैठती हूँ सच में ही। चाय में क्या क्या डालना सबको पता है, चाय में क्या डालना प्यार नहीं डालना, प्यार नहीं डालना, प्यार तेरे साथ में कैसा है, कैसा है। अच्छा तुझे पता नहीं, बस मैंने तो चीनी और चाय की पत्ती डाली, अदरक नहीं डालना, अदरक नहीं डालना, अदरक वाली चाय। चल मैं बताऊंगी टेस्ट करके प्यार वाली है या नहीं। अच्छा, अच्छा, तुझे पता टेस्ट नहीं, बहन प्यार डाल के तो मैं ही बनाती हूँ। कैसा बन रहा है रस्मी? टेस्टी बहुत ज्यादा, टेस्टी एकदम सही है, बहुत अच्छा, प्यार पूरा डाल रखा। अच्छा सारे खा ले तुझे रसगुल्ले। रसगुल्ले नहीं, एक तो दे दिए बहन ना, एक दे दिए, एक रसगुल्ला तो दे दिए। ये खा तो पहले ना, ये नहीं मैं खा रही। क्यों? मैंने सुबह बहुत खा लिया। देखो हाँ नहीं चकुंदर से ये तो हेल्दी है, वैसे भी अच्छा है बच्चों, तो धर्मा को खिला दो। अब तुम दोनों गुजराती में कुछ भी बोलो, सामने कोई गुजराती वाला होता है बोलते हैं कुछ भी बोलो। हम मधु से पूछो, मधु से पूछो कैसी हो, और नहीं, नहीं। कुछ भी बोल के बताओ, गीता होती तो हम तो गुजराती, कुछ लाइन दे इनको कि गुजराती में बोलो। भालोवासी मजा मच्छा, हाँ मजा मच्छा, और एक दो लाइन और बता। अम्मा ये तो खिलाओ थोड़ा, ये गुजरात में बोले बेटा गुजराती, ये भी बोल लेता है, ये नहीं बोलता, इसीलिए तो मैं कितनी प्रैक्टिस कर रही हूं, बोलेगा ना, परसों मैंने सिखा था रास्ते में आते बोल रहे थे मुझे सब, वही वही का रखना है करके, इसे गुजराती सिखानी नहीं है सब ऐसा मुझे। फिर अपने उनकी कैसे समझे गए दादी की पापा जी की, तो वहाँ पे तो जाके बोलता है ये? नहीं बोलता है गुजराती बिल्कुल भी, सबको हिंदी बोल तो बोलता है, सबको हिंदी सिखा देता है, सबको हिंदी में ही बात करनी पड़ती है, मेरे सास को भी नहीं आती, टूटा फूटा इसके साथ हिंदी बोलता है। मैंने इसकी बा का फोन आता है, मतलब हम जैसे आप अम्मा बोलते हैं हमारे बाप बोलते हैं, इसकी दादी को बा, इनके फोन आता है ना तो हम, मैं कहती हूँ बा जमिया, जैसे यहाँ पे तो खाना खाया हमारे यहाँ बोलते हैं जमिया, तो कितने लालच देती हूँ, टॉफी दूंगी चॉकलेट दूंगी, तब बोलते हैं बा जमिया, बस इतना ही बोलता है। कितना बोलता है और कितनी आती है बेटा आपको, कितनी गुजराती आती है आपको? इस बार तो मेरे ताऊजी की बेटी ने जबरदस्ती पकड़ के मतलब 10 मिनट तक बुलाया सारी, मतलब जो भी सब बोलना था सब गुजराती में बोलता है। हाँ बोलता तो है, जैसे हम बुलाते हैं ना तो बोलता है, अपने आप नहीं बोलता, दिल्ली वाले बच्चे बच्चे भी यहीं पे, बच्चों की भी आज पार्टी हो रही है, पालती मार यहाँ पे, ईशान बैठ, ईशान इधर ऊपर बैठ, तो कपड़े ऊपर से आ चुके हैं और आज बहुत सारे कपड़े धोए थे, कुछ तो मैं लेके आ गई इस गठरे में बांध के एक, और कुछ मम्मी चाय बना रही है यहाँ पे, और मैं मम्मी के लिए क्या पियोगी, चाय पियोगी कॉफी हैं, पी लो कॉफी आज, अरे मम्मी आज तो कॉफी पियो आप, है एक घूट क्यों, और मम्मी तय कर रही है कपड़ों की, और बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन, और कपड़े आज, और मम्मी का नया बेड आया है हमारी मम्मी का, कल हम मम्मी के लिए नया बेड लेके आए थे, कैसा लगा मम्मी बेड, बढ़िया
मम्मी को गद्दे पे थोड़ा कम आराम मिला तो गद्दा हो सकता है हम चेंज करें आज की रात और सो के देख लेगी मम्मी, क्योंकि जहां से हम गद्दा लेके आए थे ना बोल के आए थे अगर हमारी मम्मी को गद्दे पे आराम नहीं मिला तो हम चेंज कर देंगे। तो मम्मी बोल रही एक रात तो मैं सोगी तो थोड़ा सा ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, पर आज रात और सो के देख लेगी, अगर मम्मी को गद्दा नहीं पसंद आया तो हम इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि हम जानने वालों पे से लाए थे और हमने बोला था ये कि हमारी मम्मी को अगर नहीं अच्छा लगा तो हम बहेंगे। हाँ, और ये कवर वगैरह ये धो दिए हमने और चल बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? टाइम हुआ है 6:30 और बच्चे गए हुए हैं कराटों में, और सुबह के बाद मैं व्लॉग अभी बनाना शुरू किया है, क्योंकि क्या है ना मैं काम फिनिश करने के बाद मधु के यहाँ पे चली गई थी और फिर वहाँ पे टाइम लग गया क्योंकि बच्चे भी उधर ही चले गए थे। तो फिर बस ट्यूशन से आने के बाद बच्चे जा चुके हैं कराटों में और मम्मी कर रही है ऊपर पूजा, और अब मैं जाऊँगी किचन में। और टाइम हुआ है 6:30, बच्चे आएंगे 7:30 के आसपास, वैसे तो उनकी 7 ही हो जाती है। तो बस यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं और आने के बाद दूध पी लिया बच्चों ने, क्योंकि खाना तो नहीं देती मैं एकदम, हाथ से आते हैं करांटों में से। तो दूध पीने के बाद मैं इनको पढ़ाने बैठ गई और खाना मेरा अभी बना नहीं था, सब्जी बना दी थी, रोटी मैं बाद में तभी बना के देती हूँ बच्चों को भी और मम्मी को भी साथ के साथ दे देती हूँ। तो अभी बच्चों की पढ़ाई चल रही है, बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं और बच्चे तब तक पास में बच्चों के ना बैठो या ना पढ़ाओ तो बच्चे पढ़ते ही नहीं, और मेरे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, और के पता नहीं मुझे पढ़ भी लेते हैं या नहीं, तुम तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। तो चलिए फिर वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।